विदाउट एनी डाइट नॉलेज या डाइटिशियन मेरा 18 किलो वजन कम किया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरी एंड वेलकम टू फिट स्टैंड। आप लोगों ने मेरे सेकेंड डिलीवरी के बाद की मेरी वेट लॉस जर्नी की वीडियो देखी होगी, लेकिन अब तक मैंने मेरे फर्स्ट डिलीवरी के बाद मैंने वेट लॉस कैसे किया इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं बताया है। तो आज की वीडियो में बिना किसी प्रॉपर डाइट नॉलेज के और स्वीट्स खाकर मैंने खुद का 18 किलो 18 किलो वजन कम कैसे किया है इसके बारे में मेरी वेट लॉस जर्नी आपसे शेयर करूंगी एंड आई होप इससे आपको फायदा होगा। दोस्तों, मेरी पहली डिलीवरी 2011 में हुई थी और वो सीजेरियन थी। उस वक्त मैं एक्सरसाइज योगा करती थी, लेकिन मुझे डाइट के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। सीजेरियन के कारण डिलीवरी के 6 महीने तक वेट लॉस के लिए मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन एक चीज करती थी। मसाज करने वाली मौसी मुझे नहाने के बाद कॉटन साड़ी का पेट का पट्टा बनाकर बांधती थी। ऐसा कहा जाता है ये पट्टा बांधने से आपका पेट ज्यादा बाहर नहीं आता है और वो अंदर जाने में मदद मिलती है। दोस्तों, 2010 तक मेरा कभी भी वजन 50 किलो के ऊपर नहीं गया था, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद मेरा बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया था। जब आप मोटे होते हैं, आपका वजन ज्यादा होता है, तब आपको लगातार डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम यानी कम आत्म सम्मान से लड़ना होता है। इस दौरान आपको आत्मविश्वास की कमी होती है। आप कितना भी कह लो, लेकिन वजन बढ़ने से आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आप ये बस बाहर से बोलते हो, अंदर से हमेशा आपको वेट लॉस करना होता है। एक्चुअल में आप अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते, और अगर आपका पहले कभी वेट गेन नहीं हुआ है तो खुद को आईने में देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। मेरे साथ भी ये सारी चीजें हो रही थी। इवन इसी के साथ अधिक वजन होने से पीसीओडी, जोड़ों में दर्द, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और यहाँ तक कि डायबिटीज और थायराइड होने का डर मुझे सता रहा था। आप कह सकते हो यही डर बाद में मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम कर रहा था। मुझे 10 साल पहले डाइट, डाइटिंग ये वर्ड्स तो पता थे, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि आपको अगर डाइटिंग करना है तो आपको पहले कोई डाइटिशियन को कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर उनको पैसे देने होंगे और उसके बाद आपको डाइट चार्ट मिलता है और वो आपको फॉलो करना है, जो मैं नहीं चाहती थी। तो इसलिए मैंने डाइटिंग को साइड में रखा और लाइफस्टाइल चेंज पर ध्यान दिया। उस वक्त मुझे इंटरमीडिएट फास्टिंग या डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित जैसे फ्री डाइट प्लान बताने वाली यूट्यूब पर कोई भी गौरी नहीं थी, तो मैं उस टाइम पर बड़ा ही सिंपल डाइट जरूर फॉलो करती थी। रात को सोने से पहले 3 से 4 बादाम मैं भिगोती थी और फिर सुबह उठने के बाद पहले 2 से 3 ग्लास पानी पीकर उन 3 बादाम को खाती थी। ये आदत मुझे प्रेगनेंसी के दौरान से लग गई थी, क्योंकि बहुत लोगों ने बताया था भिगोए बादाम सुबह खाना बच्चे के लिए, डेवलपमेंट के लिए अच्छे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैं 1 आवर योगा करती थी। दोस्तों, मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी उसके पहले महीने में ही मैंने योगा टीचर का एग्जाम भी दिया था और मैं योगा टीचर बन गई थी। डिलीवरी होने के 6 महीने बाद सुबह 7 बजे मैं एक फैमिली को योगा लेने के लिए जाती थी, इसलिए उनके साथ मेरा 1 घंटे का योगा भी हो जाता था। फिर 9 बजे तक मेरे घर के काम हो जाते थे, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती थी। ब्रेकफास्ट में मैं कभी उपमा या कभी पोहा या कभी फ्रूट खाती थी। बीच में कुछ दिन मैंने ओट्स दूध में डालकर भी खाए थे, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आए। मेरे ब्रेकफास्ट का मेनू कोई फिक्स नहीं था, जो नॉर्मल आप जैसे खाते हो वैसे ही मैं खाती थी। बस इतना पता था कि क्वांटिटी कम रखनी है। इसके बाद मैं डायरेक्टली लंच करती थी। लंच के बाद 5-5:30 बजे लाइट स्नैक्स और फिर रात को 8 से 9 के बीच में डिनर होता था। मेरा लंच और डिनर बहुत सिंपल होता था। मुझे हरी सब्जियां पहले से बहुत पसंद है और उसमें मैं दिल की सब्जी, मेथी और पालक ऐसी सब्जियां खाती थी। हरी सब्जियां खाने के कई फायदे हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए हरी सब्जियां का सेवन जरूरी है। फाइबर की वजह से हरी सब्जी हमारे पाचन शक्ति को मजबूत करने के साथ कई महत्वपूर्ण बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है। हरी सब्जी में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और खनिज पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के त्वचा को खूबसूरत बनाने के साथ ही मोटापे को भी नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, शरीर में पोषण तत्व को हरी सब्जी के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। हरी सब्जी के साथ में कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी और कैबेज यानी पत्ता गोभी भी खाती थी। सब्जियों के साथ प्रोटीन के लिए मैं दालें, बीन्स ऐसे अनाज खाती थी, लेकिन मैंने गेहूं की रोटी कम कर दी थी और राइस कभी कभी खाती थी। वैसे तो मैंने राइस को खाने से निकाल ही दिया था, लेकिन कभी कभी थोड़ा राइस खा लेती थी। मेरे दोपहर के खाने में दही भी होता था,
और सैलड में मैं खीरा, गाजर या बॉईल किया हुआ बीट रूट होता था। मैंने मेरे पहले वेट लॉस के टाइम पर शुगर को कम किया था, लेकिन शुगर को अवॉइड नहीं किया था क्योंकि मुझे स्वीट्स बहुत पसंद था और वो मेरी पहली डिलीवरी थी, तो बहुत ज्यादा पोस्टपार्टम डिप्रेशन आता था, तो मुझे मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होती थी। मैं शाम को 5-5:30 बजे थोड़ी सी शुगर वाली चाय और फिर पीनट गुड़ की चिक्की या राजगिरा की चिक्की या डेट्स, ऐसी मीठी चीजें थोड़ी मात्रा में खाती थी। उसे खाने से मुझे अच्छा लगता था और थोड़ा सा टेंशन कम हो जाता था। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि वेट लॉस के लिए स्वीट्स को अवॉइड करो, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि पहली बार जब मैंने वेट लॉस किया था तब मैंने मीठा खाकर वेट लॉस किया था, शायद इसलिए मुझे वेट लॉस के लिए थोड़ा लंबा समय लगा था। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप ये जो मैंने मीठी चीजें बताई है ये आपके 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग या डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित एफर्टलेस वेट लॉस डाइट के ईटिंग विंडो में खा सकते हो, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम रखिए और खाना शुरू होने से पहले खाइए। जैसे मैंने बताया, सुबह मैं योगा करती थी और शाम को मैं वॉकिंग के लिए जाती थी, लेकिन मेरी वॉकिंग रेगुलर नहीं हो पा रही थी तो मैंने घर के पास ही जिम लगाई थी। हाँ दोस्तों, मैंने मेरे पहले डिलीवरी के बाद जिम भी की थी। जिम में मैं बहुत कम वेट ट्रेनिंग करती थी, लेकिन ज्यादा मात्रा में ट्रेडमिल पर वॉकिंग या साइकिलिंग से कार्डियो एक्सरसाइज करती थी। मैंने उस वक्त कोई भी प्रोटीन पाउडर या पोस्ट वर्कआउट मील भी नहीं लिया था। मेरी पहली डिलीवरी थी और पता नहीं था बच्चे को कैसे संभालना चाहिए, इसलिए मेरी कम नींद होती थी, फिर भी कुछ ना कुछ मैनेज कर लेती थी। और हाँ, पानी का इंटेक मैंने अच्छा रखा था। दोस्तों, ऐसे सब कुछ फॉलो करके विदाउट एनी डाइट नॉलेज या डाइटिशियन, बस हेल्दी खाकर और कभी भी एक्सरसाइज मिस ना कर मैंने एक साल में मेरा 18 किलो वजन कम किया। नो डाउट इसमें ब्रेस्ट फीडिंग के कारण भी कुछ मदद मिली, बट इन शॉर्ट, अगर आपके लक्ष्य के प्रति सीरियस हो और थोड़ी सी लाइफस्टाइल में चेंज कर प्रॉपर हेल्दी आहार और एक्सरसाइज को नियमित रूप में करके आप भी आपका खुद का वेट लॉस कर सकते हो। आई होप मेरे इस सिंपल वेट लॉस जर्नी से आपको भी थोड़ी जानकारी और मोटिवेशन मिला होगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों से शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।